हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शायज हब। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ मेरे सारे इम्पटिस जो प्रोडक्ट है उसे मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हेयर प्रोडक्ट भी है एंड स्किन प्रोडक्ट भी है। सो जो प्रोडक्ट है इम्पटिस है उसे मैं रिपर्चेज जरूर करना चाहूँगी अगेन एंड अगेन। सो गाइस, मेरी वीडियोज़ को स्किप ना करिए, क्योंकि मैं इसमें जो जिसे मैं अगेन परचेस नहीं करना चाहूँगी वो भी प्रोडक्ट मैं बताने वाली हूँ, और जो परचेस करना चाहूँगी वो भी प्रोडक्ट मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि खादी का रोज़ वाटर है। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा काम करते हैं गाइस। सो प्लीज़ आप इसे ज़रूर परचेस करिएगा, ये ऑयल कंट्रोल करती है, तो मैं इसे फिर से परचेस करना चाहूँगी। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट था, लेकिन मैं इसे इससे अगर इससे बड़ी बॉटल होगी तो मैं इसे ज़रूर परचेस करना चाहूँगी। उसके बाद हमारा जो है लैक्मे पीच मिल्क क्रीम, ये भी मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, देखिए। सो इसे मैं काफ़ी अच्छे से घस घस के यूज़ की हूँ। ये है लैक्मे पीच मिल्क, जो कि 30% एक्स्ट्रा इसमें शो किया है, सॉफ्ट क्रीम है। तो इसे अप्लाई करने पर काफ़ी क्रीमी सा फील होता है, देन उसके बाद वाइट दिखता है फेस, काफ़ी अच्छा ग्लो करता है। तो इसे मैं ज़रूर परचेस करना चाहूँगी, 100 रुपीज़ का है ये। और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी की अगर बात करूँ तो 50 ग्राम समथिंग ऐसा है, 65 ग्राम इसमें है, और वो जो है वो 15 समथिंग ऐसा कुछ था रोज़ वाटर। तो इसे मैं ज़रूर परचेस करना चाहूँगी। उसके बाद हम बात करते हैं बायोटिक का, जो कि इसके बारे में इंडिविजुअल रिव्यू दे चुकी हूँ। सो गाइस, इसे मैं, ये मेरा फर्स्ट मैंने इसे परचेस किया था, तो इससे मैं ज़रूर और परचेस करना चाहूँगी। इसे मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ। सो ये है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो ऑलनट प्यूरिफाइन पॉलिशिंग स्क्रब। सो ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले के लिए है, तो सारे स्किन इसे स्किन वाले से यूज़ कर सकते, ईजिली सबको ये सूट हो जाएगा। सो इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी है 100 ग्राम, देन इसे मैंने इसकी जो प्राइस की बात करूँ तो 140 है, आफ्टर डिस्काउंट आप 130-125 में मिल जाएगा। इसे मैं ऑनलाइन परचेस की थी, एंड जो रोज़ वाटर है एंड पीच मिल्क जो क्रीम है मॉइस्चराइजर उसे भी मैंने ऑनलाइन परचेस की थी। सो ये भी इसके साथ भी आप जैसे इसे वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करता है, तो इसे मैं ज़रूर परचेस करना चाहूँगी। उसके बाद सेकेंड है बायोटिक का ही अगेन, जो जानी मानी ब्रांड है, सॉरी। सो इसके साथ भी आप जा सकते हो, इसे मैं फिर से अगेन परचेस करना चाहूँगी। ये है बायो फ्रूट वाइटनिंग लिप बाम, मिक्स फ्रूट है। सो ये बायोटिक का जो प्रोडक्ट है वो 100% वेगन रहता है, तो मुझे मीन्स किसी को इसे यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मीन्स, लेकिन हाँ डरने की ज़रूरत है यूज़ करने से पहले। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो या फिर कुछ भी चीज़ें, तो आप इसे पैचेस जरूर करिएगा इधर साइड में या फिर यहाँ। तो ये जो लिप बाम है मुझे बहुत बहुत पसंद आया, इसका फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत पसंद आया था। ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, इसमें शायद और कुछ रखी हूँ मैं, ये देखिए ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। ओके, तो ये मुझे ये मैंने आउटडोर स्टोर से परचेस किया था 170 रुपीज़ का, बट मुझे आफ्टर डिस्काउंट याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कम पड़ा था। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा इजीली, और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी की बात करूँ तो 12 ग्राम है, इसके साथ भी आप जा सकते हो। उसके बाद मैं एक जो प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो भी एक लिप बाम ही है, तो ये मुझे पसंद नहीं आया बॉडी शॉप का, तो इसका मैं यहाँ से स्टिकर निकाल दी हूँ। तो इसके साथ इसे आप नहीं, इसे बिल्कुल परचेस न करिएगा, मुझे नहीं पसंद आया था ये। इसका जो प्राइस है मुझे याद तो नहीं, लेकिन 200 ऐसा कुछ तो भी इसका प्राइस था, लेकिन ये मुझे नहीं पसंद आया। इसकी जो फ्रेग्रेंस थी बहुत बहुत अच्छी थी, लेकिन ये मेरे लिप्स में उतना खास कुछ वर्क नहीं किया, बट वो बायोटिक का जो लिप बाम है काफ़ी अच्छा वर्क किया। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसका मैं इंडिविजुअल रिव्यू दे चुकी है, एलोवेरा का जो है वाव स्किन सेंस का एलोवेरा प्योर एलोवेरा स्किन जेल है। इसे हम इसमें दिया गया है कि आप हेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं और स्किन के लिए भी है, तो मैं इसके साथ इससे ज़रूर परचेस करिए। अगर आपने परचेस नहीं की हो तो, वैसे तो मुझे पता है कि मोस्टली आप लोगों के पास ये ज़रूर होगा, और इसका और भी आया है काफ़ी अच्छा वाला, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे परचेस करो। इसका भी मैं इंडिविजुअल रिव्यू दे चुकी हूँ, तो प्लीज़ चेक करिएगा।
99% प्योर एलोवेरा है, इसमें नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, कलर ऑयल जो भी है सारी चीज़ इसमें है ही नहीं। और इसमें बताया है कि सूट ऑल स्किन टाइप एंड हेयर टाइप्स, तो बिल्कुल इसी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 130 ml। देन ये मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, 299 का है, बट मुझे कुछ थोड़ा सा कुछ तो शायद इसमें डिस्काउंट मिला था, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है ये, आपके स्किन को काफ़ी फ्लॉलेस बनाता है, देन हेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा, तो इसके साथ आप जा सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ तो लैक्मे क्लिंजिंग मिल्क की, ये भी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है। सो डीप क्लिंजर है ये, तो वैसे तो मैं ये क्लिंजिंग मिल्क एंड कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मोस्टली तो मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ अपना अगर मेकअप हो या कुछ भी चीज़ रिमूव करने के लिए। तो इसका जो प्रोडक्ट क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो 60 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, एंड प्राइस की बात करूँ तो 135 है। सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ओके तो आप इसके साथ भी जा सकती हैं। इसे भी मैं ऑनलाइन परचेस की थी। ओके, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ये हेयर सीरम, वाओ बहुत ही अच्छा है ये है, लॉरिया का हेयर प्रोफेशनल पेरिस हेयर सीरम है, सीरीज एक्सीरी एक्सपर्ट ऐसा है, तो मैं इसका भी इंडिविजुअल रिव्यू देने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। इसका भी रिव्यू अच्छे से देना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया इसकी। इसका जो प्राइस है 650 समथिंग कुछ प्राइस है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। आपको मोस्टली तो ये इस सीरम के बारे में पता ही होगा, इसे लगाने पर जो फ्रिजी हेयर है वो फ्रिजी नहीं दिखता है हेयर, देन काफ़ी शाइन करता है। अभी तो मैं इसे अप्लाई नहीं की हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा हुआ करता है कि मेरा ऑलमोस्ट डे भी फिनिश हो चुका है, तो मैं इसे ज़रूर परचेस करना चाहूँगी। प्रोडक्ट क्वान्टिटी की बात करूँ तो 125 ml है। ओके, देन ये सीरम जो है डेली यूज़ कर सकते हो थोड़े गीले बालों पे, लेकिन सीरम को कैसे, मैंने आपको लियोन के बारे में बताया था, लियोन सीरम के बारे में, तो वो चेकआउट जरूर करिएगा उस सीरम को कि कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि सीरम को हमको यह रूट्स में अप्लाई नहीं करनी चाहिए, ऊपर ही और यहाँ लेंथ में एंड में बालों के एंड में इस तरीके से अप्लाई करनी चाहिए। तो इसके साथ भी आप जा सकते हो, काफ़ी 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 अच्छा सीरम है। यहाँ पे मैं कुछ बनावटी कुछ भी नहीं बता रही हूँ, सारे जो है मेरे जिस प्रोडक्ट को मैंने यूज़ की हूँ सारी रिव्यूज़ जो है एकदम ऑनेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझको क्या कहते हैं कि वीडियो बनाना है तो मैं कुछ भी वीडियो उठा के डाल दूँ, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल परचेस करिएगा। ओके, देन मैं बात करूँ तो निविया, इसमें फर्स्ट टाइम इसे भी परचेस की थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी फ्रेगरेंस रहती है काफ़ी देर तक, इसकी फ्रेगरेंस रहती है। निविया का डिओडरेंट है, रोल ऑन जिसे कहते हैं, पर्ल एंड ब्यूटी का है। इसमें दिया गया है कि 48 आवर्स प्रोटेक्शन दिया गया है, 0% अल्कोहल, और क्या चाहिए यार। तो ये हमारे जो अंडरआर्म्स को स्मूथ बनाए रखती है। देन इसे यूज़ करने पर आपको धीरे धीरे खुद ही असर पता चल जाएगा, डिफरेंट पता चल जाएगा कि कितना वर्क करता है। मुझे बहुत पसंद आया, मेरे ये ऑलमोस्ट मेरी फिनिश हो चुकी है, बस थोड़ा ही है, तो इसके साथ मैं जरूर जाऊंगी। अगर ये सारे प्रोडक्ट मैं परचेस करूंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जरूर। ओके, इसके साथ भी आप जा सकते हो। एक मिनट, इसके मैंने प्राइस नहीं बताया, इसका प्राइस इसका प्राइस 185 का है। इसे भी मैं नायका से ही परचेस की थी, ऑनलाइन शॉपिंग है। सो इसके साथ भी आप जा सकते हो। प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसकी 50 ml, काफ़ी अच्छा है, चल जाता है इसे इजिली, इस पर बड़ी साइज भी आती है, तो आप बिल्कुल बेझिझक इसे परचेस कर सकते हो। उसके बाद मैं निविया क्रीम के बारे में बात करें तो अभी विंटर आने वाला है, सो हमें तो मॉइस्चराइजर की भर भर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मेरे डेली बेस पे मैं ग्लिसरीन एंड गुलाब जल ही मिक्स करके यूज़ करती हूँ, बहुत कम मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ बाकी के, नहीं तो मैं ग्लिसरीन और गुलाब जल ही यूज़ करती हूँ। सो गाइज़ आप इसके साथ भी जा सकते हो निविया, ये ऑयली स्किन वाले के लिए बिल्कुल नहीं है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए है। मेरे हस्बैंड की ऑयली स्किन है तो उनने परचेस किया था, बट उनको सूट नहीं हुआ, लेकिन मुझे सूट हुआ क्योंकि ये मेरी ड्राई स्किन है, तो मुझे काफ़ी अच्छे से सूट हुआ। देखो ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, तो मैं इसे परचेस जरूर करूंगी क्योंकि अभी विंटर आने वाला है। ओके, उसके बाद मैं बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा
सनस्क्रीन के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मैंने इसका इंडिविजुअल रिव्यू दे चुकी हूँ। सो ये भी इसमें बताया कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, ये थोड़ा ऑयली जैसा है तो ऑयली स्किन वाले ना यूज़ करें इसे। तो इसका भी मैं इंडिविजुअल रिव्यू दे चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ उसे चेक करिएगा। ये भी 100% आयुर्वेदिक इसमें बताया, जैसे कि मैंने आपको पता है कि बायोटिक के जो प्रोडक्ट है वो वेगन होते हैं। सो इसके साथ भी आप जाइए, इसके जो फ्रेगनेंस है वो भी बहुत 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 अच्छी है। तो प्रोडक्ट क्वांटिटी की बात करूँ तो 50 ml है, देन इसे 115 में मैंने 115 में इसका जो प्राइस है 115 है। सो गाइस आप इसके साथ भी जा सकते हो, काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है। वैसे तो अभी विंटर सीजन आने वाला है, बट यू नो विंटर सीजन में भी अगर हम घर से बाहर निकले तो हमें सनस्क्रीन यूज़ कर अप्लाई करके ही निकलनी चाहिए, तो उसे भी परचेस करिएगा। उसके बाद मैं लियोन सीरम के बारे में बता रही, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसे भी हम डेली रूटीन पे यूज़ कर सकते हैं। बट जो लॉरिया का जो सीरम मैंने आपको बताया वो कॉस्टली है, बट ये थोड़ा कम प्राइस में है, बट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इसे मैं बहुत 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 दिनों से यूज़ करते आ रही, मुझे खुद नहीं पता, तो मैं इसके साथ जाना चाहूँगी। अब मैं कहती कि आप भी इसके साथ जाए, काफ़ी अच्छा सीरम ये। इसके वही सेम सीरम बोले तो सेम वर्क करता है, हेयर को शाइनी बनाता है, जो फ्रीजी हेयर को इसको स्मूथ बनाए रखता है। देन आफ्टर सीरम काफ़ी अच्छा लगता है यार बाल देखने पे, तो मैं इसके साथ तो आपको जाओ ऐसा कहूँगी, मतलब बहुत अच्छा सीरम है। मैं आपको इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी की बात करता हूँ तो 100 ml है, देन आई थिंक ये 250 something है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है रेट। ओके, उसके बाद है लास्ट बीबी क्रीम पॉन्ड्स का जो एवरग्रीन जो कहते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। वाइट बीबी क्रीम है, ब्यूटी बीबी क्रीम है, जो ऑल इन वन है ये, और क्या मतलब गेट वाइट एंड कवर फॉर्मूला ऐसा इस पर दिया गया है। फेयरनेस क्रीम है ये, इसे भी आप डेली यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कुछ मेकअप नहीं करना है तो आप इसे अप्लाई कर लो, काफ़ी अच्छा फेस दिखेगा। मैं अभी यही अप्लाई की हूँ और थोड़ा लिपस्टिक एंड काजल लगा ली हूँ। सो इसे तो हर कोई के पास ये रहता ही है बीबी क्रीम, तो मैं इसे अगेन परचेस करना चाहूँगी कि मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और ये मेरे पास बीबी क्रीम, बट ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो 18 ग्राम क्वांटिटी है, और इसका जो MRP है, प्राइस की बात करूँ तो इसमें शो नहीं किया है, 140 something इसकी प्राइस है, तो सस्ती है और काफ़ी दिन तक से चल जाती है, तो इसके साथ भी आप जाइए। आई होप कि गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ अगर मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।